पिछले 6 साल से यूपी की सत्ता से गायब बीएसपी ने अब पैर छूकर आशीर्वाद देने और लेने की परंपरा से तौबा कर ली है। बीएसपी में अब सिर्फ जय भीम ही चलेगा। वैसे कहने के लिए तो ये फैसला कार्यक्रमों के दौरान पैर छूने से बर्बाद होने वाले समय को बचाने के लिए लिया गया है, लेकिन असली वजह तो कुछ और ही है। समय के साथ बीएसपी में भी बदलाव आ रहा है। सामंतवादी सोच खत्म करने आई बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर सामंतवादी होने का आरोप लगता रहा है। बीएसपी देश की इकलौती पार्टी रही है जिसके बारे में बताते हैं कि पार्टी की बैठकों में कुर्सी सिर्फ मायावती के लिए लगती थी और इसके अलावा सभी जमीन पर बैठते रहे, लेकिन बाद में 2007 विधानसभा चुनाव के दौरान इसमें बदलाव हुआ और कुर्सियों की संख्या बढ़ी। वैसे तो पार्टी में पैर छूने की परंपरा काफी पुरानी है। नेता चाहे कितने भी बड़े कद का हो, मायावती का चरण वंदन किए बगैर पार्टी में उसकी एंट्री अधूरी मानी जाती थी। पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा है और इस दौरान एक के बाद एक पार्टी के बड़े नेता मायावती का साथ छोड़कर चले गए। ऐसे में पार्टी अपने को फिर से खड़ा करने के लिए इस तरह के बड़े बदलाव कर रही है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।